दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग एक एडेप्टर बनाना सीखेंगे। ये एडेप्टर जो है हमारे टैब का है दोस्तों, और टैब का एडेप्टर ये ख़राब हो गया है। 2.5 एम्पियर का है। अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो 400-500 रुपये लग ही जाएंगे, अगर ओरिजिनल लेने जाएंगे तो। इसे आज हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये अभी काम नहीं कर रहा, कुछ भी चार्ज भी नहीं हो रहा इससे। अभी हम खोल कर आपको दिखाते हैं। तो इसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन ये खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से ठोकना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम ठोक रहे हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लॉक है, लॉक को हम इस तरह से खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। इधर भी एक लॉक होगा ज़रूर, तो इधर भी थोड़ा सा ठोकते हैं। चलिए, लॉक खुल गया। लॉक देखिए टूटता ही है, ये सब एडेप्टर अगर बनाइएगा तो लॉक हमेशा टूट ही जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके सर्किट को बाहर निकालते हैं दोस्तों। सर्किट को बाहर निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और चारों तरफ से हल्का हल्का खींचना है। एक बैग नहीं खींचना है, नहीं तो क्या होगा कि सर्किट हमारा टूट जाएगा। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं। हल्का हल्का खींचना है दोस्तों दोनों तरफ से, ताकि बराबर सर्किट हमारा जो है बाहर निकले, क्योंकि ये घाट में फंसा हुआ होता है दोस्तों। देखिए ये निकल गया, ठीक है। और इसे अब हम पहले लाइन जोड़ते हैं, लाइन जोड़कर देखते हैं ये LED जो है हमारा ग्लो करता है या नहीं। तो यहाँ पे जो AC का पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये वाला, दोनों AC का पॉइंट है। यहाँ पे हम दो वायर जोड़ेंगे इस तरह से। चलिए, एक तरफ हो गया और दूसरा वायर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। चलिए, हो गया। देखिए हमने कहाँ पे वायर जोड़ा है, देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए दो टर्मिनल है AC का, ठीक है। इसी AC वाला टर्मिनल में हमने वायर को जोड़ा है। हम इसमें लाइन देते हैं दोस्तों और देखते हैं LED हमारा ग्लो करता है कि नहीं। तो चलिए, लाइन हमने दे दिया दोस्तों। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे LED जो है वो ग्लो कर रहा, लेकिन ब्लिंक कर रहा दोस्तों, ठीक है। ब्लिंक यानी कि कहीं शॉर्टिंग प्रॉब्लम है, तभी ब्लिंक कर रहा दोस्तों। तो हम अभी लाइन को खोल देते हैं। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। तो लाइन को अभी हम खोल देते हैं। लाइन खोलने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे डायोड कहाँ पे लगा हुआ दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर के बाद एक DC बनाने के लिए एक डायोड लगा हुआ होता है, जो यहाँ से आउटपुट देता है। तो उसे हम पहले चेक करेंगे, क्योंकि अगर डायोड शॉर्ट होगा दोस्तों तो इसी तरह का ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा। आप याद रखिएगा, कहीं भी अगर किसी भी SMPS में अगर कोई पावर ब्लिंक करता है तो समझिए कि डायोड का शॉर्टिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अभी हम इसे रखते हैं और मीटर से इसे चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायोड का सिंबल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लगाएंगे और मीटर को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए बीप देगा, ठीक है, बीप दे रहा, यानी कि हमारा डायोड यहीं से चेक होगा दोस्तों। तो डायोड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं दिख रहा दोस्तों। आउटपुट में कहीं डायोड नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर का आउटपुट कहाँ पे हुआ है। देखिए ट्रांसफार्मर का पिन एक ये है और एक ये है। तो डायोड के जगह पे ये IC लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये IC ही हमारा डायोड है। तो यहाँ देखिए, इस पिन से लेकर इस पिन तक, यहाँ से यहाँ तक हम चेक करेंगे, क्योंकि ये पिन देखिए यहाँ पे जब ट्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो आउटपुट में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर से हम स्टार्ट करते हैं। इसका माइनस पॉइंट देखिए दोस्तों, माइनस देखिए ये वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है, ये पार्ट जो हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। ये देखिए, ये पार्ट हमारा माइनस है, और ये पार्ट जो है ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट जो है ये हमारा प्लस है।
यानी कि यहाँ से माइनस होते हुए डायोड जा रहा दोस्तों और यहाँ पे आ रहा, और ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट है वो हमारा प्लस है। तो इस डायोड को हम चेक करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे एक प्रोब रखा, एक प्रोब यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा दोस्तों, जीरो जीरो बता रहा, ठीक है, और बीप भी दे रहा। और एक तरफ, दूसरी तरफ से भी हम चेक करेंगे तो यहाँ से भी वही सिचुएशन है दोस्तों, दोनों तरफ से ये हमारा डायोड जो है लग रहा है ख़राब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को अभी हम निकालते हैं दोस्तों। तो इस डायोड को हम अभी निकालेंगे, यानी कि आईसी को निकालेंगे। ये आईसी के जगह पे हम अभी आपको बताएंगे क्या लगाएंगे हम इसमें। देखिए ये हमारा निकल गया, ठीक है, चलिए डायोड हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए डायोड को लगाने से पहले हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे कहाँ पे हमें क्या लगाना है। तो ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से हमें माइनस देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये पिन कुछ नहीं है दोस्तों, इसे इसे हम यहाँ पे इस तरह से, ये कुछ नहीं है, चलिए ये साफ हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगाएंगे। तो डायोड हम कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ डायोड हम, ये देखिए ये हमारे पास 4007 डायोड है दोस्तों, इसे हम लगाएंगे। तो इसे हम किस तरह से लगाएंगे, यानी कि माइनस हमें जब यहाँ देना है दोस्तों, तो डायोड का नेगेटिव हमारा यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा, इस तरह से। देखिए डायोड में हमारा निशान बना हुआ है पॉजिटिव का, और नेगेटिव तरफ कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर डायोड को इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डायोड को लगाएंगे। अभी हम लगा के देखते हैं क्या होता है, हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। चलिए ये हमने लगा दिया, और डायोड का दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे, चलिए डायोड को हमने लगा दिया, थोड़ा सा पेस्ट लगाकर और इसे अच्छा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए डायोड हमने अच्छी तरह से लगा दिया है, और इसके बाद मीटर से हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारा जो यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा था दोस्तों, अभी बताता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटर को कंटिन्यूटी में हम लगाए हैं, यहाँ पे देखिए अब वो शॉर्टिंग नहीं बता रहा दोस्तों, डायोड का रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। और इधर से भी हम चेक कर लेते हैं, इधर से भी वही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें लाइन देकर देखते हैं हमारा जो LED है ब्लिंक करता है या जलता है, ठीक है। तो लाइन अभी हम देते हैं दोस्तों, चलिए लाइन हमने दे दिया है दोस्तों, और देखिए ये LED जो है हमारा ग्लो कर गया, ठीक है। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया दोस्तों, इसी तरह से आप भी इसे बना सकते हैं, यानी कि हमारा पावर जो है यहाँ से आउटपुट हो रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।